देखो जो पहला पॉइंट होगा अगर आपको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो है आपकी जो वर्कआउट वॉल्यूम है और जो सेट्स हैं वो इतने ही होने चाहिए कि जिससे आप रिकवर कर पाओ। जैसे मैं जिम में लोगों को देखता हूँ, तीन तीन चार चार वर्किंग सेट्स करते हैं, मैं सिर्फ दो ही वर्किंग सेट्स करता हूँ, उससे पहले दो या तीन वार्म अप सेट्स करता हूँ। हाँ, लेकिन जो आपके सेट्स हैं उसे उस पर आपको फेलियर तक ट्रेन करना है और 8 से ज़्यादा रेप्स मारने हैं, दैट इज द परफेक्ट स्वीट स्पॉट फॉर हाइपरट्रॉफी। और दूसरी टिप होगी अपने रैप्स को बहुत ही क्लीन और स्लो और कंट्रोल्ड परफॉर्म करो। ये दोनों ही लोगों के लिए फ़र्क नहीं पड़ता, आप एनहांस्ड हो या नेचुरल हो, लेकिन अगर आपका प्राइमरी गोल हाइपरट्रॉफी है तो अगर आप अपने रैप्स को स्लो और कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करोगे तो आपको फार बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे हाइपरट्रॉफी के टर्म्स। और तीसरी एडवाइस होगी अपनी डाइट को ऑन पॉइंट रखना, मेक श्योर आपका प्रोटीन इनटेक डेली कंप्लीट हो रहा हो, आपकी डाइट में डिसेंट फैट्स हों, आपकी डाइट में डिसेंट कार्बोहाइड्रेट्स हों जो कि सब क्लीन सोर्सेज से आएँ, क्योंकि अगर आप अपनी डाइट अच्छी लोगे तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी और आपकी हार्मोनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको हर वो छोटा मोटा एडवांटेज लेना है जो आप ले सकते हो।